जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। भैरव साधकों के लिए पूरे साल भर में सबसे उत्तम, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो रात्रि है वो है कालाष्टमी की रात्रि। आगामी 27 नवंबर को हम लोग कालाष्टमी जयंती मनाएंगे, जिस दिन भैरव जी की विशेष पूजा और साधना की जाती है। कालाष्टमी वही दिन था जिस दिन महादेव ब्रह्मा जी से कुपित हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कुछ झूठ बोला था और उनके कोप से काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखून से ब्रह्मा जी के मिथ्या मुख को काट दिया था। तो ये वही काल भैरव जयंती है और इस दिन भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मंदिर में तो बहुत विधान है, भस्म आरती होगी, उसके बाद अभिषेक होगा, मंत्रोच्चारण होगा, तांत्रिक विधि से पूजा होगी, बलि पूजा होगी, फिर हवन होगा, है ना। लेकिन एक गृहस्थ ऐसा क्या करे जिससे कि भैरव बाबा की कृपा प्राप्त हो। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि भैरव बाबा की स्थापना घर में विग्रह के रूप में नहीं करते हैं, जैसे कि और सारे देवी देवताओं का जो है आप विग्रह रख लेते हैं, वैसे भैरव बाबा का विग्रह नहीं रखना चाहिए। तो भैरव बाबा की चाहे तो आप ऐसी एक तस्वीर रख लें जो किसी मंदिर में है, जैसे रांची वाले भैरव बाबा हैं या उज्जैन में हैं या बनारस में हैं, ऐसे में से किसी एक भैरव बाबा की तस्वीर रख सकते हैं। जो तस्वीर भी नहीं रखना है, हाँ बटुक भैरव की आप तस्वीर रख सकते हैं। और अगर तस्वीर नहीं रखना है तो फिर एक चौमुखी दिया, बाबा की स्थापना पूजा घर में चौमुखी दिया में ही होती है। तो एक चौमुखी दिया लेंगे, है ना, उसमें तीन तरह का तेल डालेंगे, कौन कौन सा, चमेली तिल और पीले सरसों का तेल। ऐसे जो साधक होते हैं उनको 8 तरह का तेल डालना चाहिए इसी दीपक में। तो 8 तरह का तेल अगर आपसे व्यवस्था हो जाए तो 8 तरह का, नहीं तो 3 तरीके का, बीच में नहीं रखेंगे। और फिर हम जो है एक रोली से एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के बीच में एक बिंदुकार देंगे और उसके नीचे ओम लिखेंगे, ठीक है। ये आपका यंत्र हो जाएगा, इस यंत्र के ऊपर उस चौमुखी दिया को रख देंगे और भैरव बाबा के रूप में इनकी ही पूजा हम लोग भैरव अष्टमी की रात को करेंगे, ठीक है। इसके बाद उनको लाल पुष्प चढ़ा दीजिए, बाबा को जो पसंदीदा भोजन है वो आप बाबा को अर्पण कर सकते हैं, जैसे क्या, जैसे जलेबियां हैं, काले उड़द का बड़ा है, दही बड़ा है, छोटी मछली है, दही और गुड़ है, तस्मय मतलब खीर है, भुना हुआ चना है, पापड़ है, ये सारी चीजें आप भोग में लगा सकते हैं। लाल पुष्प या नीला पुष्प ये बाबा को अर्पण होता है, नीला वस्त्र या काला वस्त्र बाबा को अर्पण होता है और धूप में गूगल का धूप बाबा को अति प्रिय है तो गूगल का धूप हम लोग देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मतलब सबसे पहले आपने दीपक जलाया, ठीक है, दीपक पे चारों मुख को जलाया, उनको प्रणाम किया, वहीं पे पुष्प अर्पण किया, उसके चारों तरफ नवेद रखे, एक तरफ छोड़ देते हैं। देखो बाबा का आने का मार्ग होता है, बाबा की पूजा आप जब करते हैं काल भैरव महाराज की तो दक्षिण मुखी काल भैरव की पूजा होती है, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण उस दीपक का खुला छोड़ना चाहिए और दीपक का जो चारों जो ज्योत है वो चार दिशा को इंगित करना चाहिए, ठीक है। तो ये उत्तर और दक्षिण को छोड़ करके बाकी दिशाओं में आप जो है फल फूल जो भी रखना चाहते हैं वो रख दें और धूप जलाएं अपने बाईं ओर, मतलब बाबा की दाहिनी ओर, ठीक है। उसके बाद जाप करेंगे। इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप मदिरा चढ़ाते हैं मतलब कारण का अगर आप भोग देते हैं तो आपके जिह्वा पे कारण का स्पर्श होना चाहिए, आप पिए ना पिए आपके जिह्वा पे कारण का स्पर्श होना चाहिए।
और जो कारण का स्पर्श नहीं करना चाहते हैं, वो जो पूरा जाप है उस पूरे जाप को मुख में एक आदि रख के करेंगे, अदरक रख के, बिना अदरक रखे जाप नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि बाबा का जो पूजा होता है वो तामसिक पूजा होता है, सात्विक तो है नहीं। इस पूजा को और थोड़ा वृहत करना है तो अपने दाहिने ओर, मतलब जो दीप है उसके बाएं ओर आप एक और अखंड दीपक जलाएंगे घी में, ठीक है, माँ भैरवी के नाम पर, और उसमें लाल पुष्प देंगे, ठीक है? उसमें अलग से आप अगरबत्ती, धूप, इत्र, चंदन, ये सब अर्पित कर सकते हैं, वो माँ भैरवी के नाम पर आपको देना होगा, ठीक। और जो तांत्रिक पद्धति को फॉलो करते हैं, वो जिस कमरे में पूजा कर रहे हैं उस कमरे के बाहर पश्चिम दिशा की ओर 8 जोगनियों का 8 दीपक जलाएंगे घी का, ठीक है? और घी का दीपक जलाने के बाद एक हवन कुंड लेंगे, उसमें एक सूखा नारियल जिसको गरी कहते हैं, उसमें हवन सामग्री भर कर उसको प्रज्वलित करके हवन कुंड को वहां छोड़ देंगे और फिर वापस जाप करने के लिए आएंगे, ठीक है? इसके बाद पूजा शुरू करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है कि पहले लेफ्ट पैर से आसन पर प्रहार करेंगे, फिर राइट पैर से प्रहार करेंगे, ओम फट हुम फट बोल के उसके बाद आसन पर बैठ जाएंगे, हाथ में फिर जल लेंगे और फिर उसको अपने ऊपर छींटेंगे, ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्र भूमि रक्ष स्वाहा, ऐसा बोल करके फिर अपना बंधन करेंगे। आप बोलेंगे कि बाबा की पूजा कर रहे हैं तो अपना बंधन क्यों करेंगे, आप बाबा के लिए बंधन नहीं करेंगे। बाबा का जब आगमन होता है तो साथ में दूध भूत का भी आगमन होता है, तो जो आपको रक्षा मंत्र पता है, नहीं तो मैंने जो वो रक्षा मंत्र बताया, सतनमो आदेश गुरु जी को, ओम गुरु जी दे बंधो मन बंधो पीड़ा बंधन सार, सोलो सती डागिनी जोगिनी बंधो दिए लोहार गलाए हार, ए घर भेगे जे जो ईश्वर महादेव त्रिशूल भेगे गए, तार बुके लाग तार बुके लाग तार बुके लाग, ऐसा 3 बार पढ़ करके और उसके बाद अपने शरीर को फूंक लेना है। इतना करने के बाद बाबा को 5 अनाज और गुड़ मिला करके रोटी बना करके 21 अर्पण करना है, ठीक है? और साथ में एक कटोरे में रोटी और दूध अलग से रखेंगे बाबा के पीछे, मतलब जो आपने दीपक रखा है उसके पीछे रखेंगे, मतलब आप बैठे हैं उसके बाद चौमुखी दिया है, उसके बाद ये दूध रोटी रहेगी, ये बाबा के वाहन के नाम पे होगा। इतना करने के बाद आप लोग जो भी आपको, मतलब जिस भी विचार से आप पूजा कर रहे हैं अपने आर्थिक उन्नति के लिए, है ना, ऐसे ही पूजा का जो भी आपको संकल्प है वो कर लें। देखो एक चीज याद रखना, ठीक है, कभी भी घर में जब आप साधना कर रहे हो तो कभी भी कोई उग्र विचार लेकर के साधना नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है, उससे घाटा होता है। मैंने देखा है, मैंने एक वीडियो में बताया था तो एकदम उसके बाद लोग मंत्र का 2 लाइन बताया था ना, हन हन दुष्टन को प्राण अनाथ हाथ गही प्रकट मही तल मिटाओ सब शोक को, हमें जो सतावे जन काम मनोवाक्य को वार वार तिनको पठाओ यम लोक को, तो ये 2 लाइन मैंने बताया था, हालांकि ये बहुत बड़ा मंत्र है, ठीक है, लेकिन लोग इसी को करने लगे और घर में करने लगे, तो उसका क्या होता है, उससे जो आपको आउटकम है वो पहले घर पे दिखता है ना, वो जिस पे चलेगा चलेगा, लेकिन वो जो मंत्र का वाइब्रेशन है वो चलने लगता है। तो जब भी आप भैरव बाबा की साधना करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कुछ पॉजिटिव सोच के ही घर में आप साधना करेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं करना है आप तब बाहर चले जाइए, आप मसान में साधना कीजिए, और अगर मसान या किसी मंदिर में साधना कर रहे हैं और किसी उग्र विषय को लेकर साधना कर रहे हैं, पहले तो एक चीज समझ लो, अगर निर्दोष पे उल्टा तंत्र करने का या संकल्प लेके तंत्र करने की कोशिश करोगे तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन कोई दुष्ट है, अब मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण और मारण तक इसीलिए बना क्योंकि दुष्टों का संहार हो। अच्छा इसमें क्या है, जैसे मारण है तो मारण किस पे किया जा सकता है, मारण उस पे किया जा सकता है जिससे राजा को या राष्ट्र को खतरा हो, तो इस तरीके से अलग अलग उसका संधि है, तो पापियों के लिए बहुत बार तंत्रों का प्रयोग होता है। इसमें अगर आप बाहर कर रहे हैं और किसी पापी के नाश के लिए कर रहे हैं तो उसको आप घर से बाहर इस चौमुखी की दिया को रखेंगे और जो दिया का बेस होगा वो शमशान का राख होगा। शमशान का राख कैसे उठाते हैं, जैसे परसों अभी
भैरव अष्टमी है तो कल जाएंगे वहां, एक सिक्का छोड़ेंगे, उनको आमंत्रण देंगे, परसों आप जाकर के वो एक मुट्ठी लेके आएंगे, उसको पहले अच्छे से उसको साफ कर लेंगे और उसके बाद उसका बेस बना करके उसके ऊपर ये रखेंगे। अब आते हैं मंत्र पे। सबसे उच्च होगा अगर एकाक्षर भैरव मंत्र की साधना आप करें, ठीक है? तो एकाक्षर भैरव मंत्र क्या है? ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। अगर एकाक्षर सिद्ध है तो ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः वो भी करेंगे जो दक्षिण दिशा देख के पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप दक्षिण देख रहे हैं तो आपका मंत्र होगा ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः। क्या? ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः। अब आप लोग पूछेंगे कि संख्या क्या होगी? इसमें जो संख्या है, एक माला आप जो है माला लेके करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिना माला अगर आप जाप शुरू करते हैं तो जाप जो होता है वो अमान्य हो जाता है। तो एक माला आप जाप करेंगे माला लेकर के, उसके बाद 1.25 घंटा इन तीनों मंत्रों से कोई भी एक मंत्र आप चुन लेंगे और 1.25 घंटा तक आप जाप करेंगे इस मंत्र का बिना गिने हुए, ठीक है? इसके अलावा जो भैरव जी के का और मंत्र है वो तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना? जैसे भैरव जी की स्तुति और गायन, ये सब मैं बताता ही नहीं हूँ, लेकिन ये सब भी आप कर सकते हैं, भैरव बाबा प्रसन्न हो जाए, हो सकता है। भैरव बाबा के पूजा में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल ही तांत्रिक क्रिया से पूजा होती है। इसलिए मैंने बहुत बार बोला है कि घर से बाहर अगर आप पूजा करते हैं तो उत्तम होता है, और कम से कम जिन लोगों को घर पे मैंने दीपक स्थापना के लिए बोला है उनको भी कम से कम मंत्र बताता हूँ मैं, ताकि वो कम से कम मंत्र करे। देखो भैरव जी का एक मंत्र है खप्पर मंत्र, जैसे आप लोगों में जो मिले हैं वो उन्होंने देखा होगा मैं खप्पर में भोजन करता हूँ, तो उस खप्पर के मंत्र में कहा है राजा मेरे राजपाट से जाए, जोगी मेरे जोग ध्यान से जाए, काल भैरव के कपारे के, गुरु का कलकारा अलख काला पीला तो ताला, तीनों रहे पात मस्तक, बिंदु सिंधु जी हनुमान भैरव, युद्ध करे रक्षा करे श्री शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी वाला। तो आप जब भैरव जी की साधना करते हैं तो आप अकाट्य हो जाते हैं, आपके विरोध में जो आएगा उसका स्वतः नाश हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक बात सत्य है कि बहुत ज्यादा बिना ज्ञान के पूजा करना भी खतरनाक होता है, बिना सिद्धि के पूजा करना भी खतरनाक होता है। तो जितना विषय बताया उतना कीजिए, और कल के बाद कम से कम 45 दिन तक इस मंत्र को कंटिन्यू कीजिएगा। दीपक अगर आप जला पाए तो सर्वोत्तम है, सारे सारी सामग्री को रोज चढ़ाएं ऐसा आवश्यकता नहीं है, जो स्वान को भोग देंगे वो स्वान को दे देंगे, बाकी सारा प्रसाद आप 27 की रात्रि को नहीं 28 को सुबह में ग्रहण कर सकते हैं सपरिवार, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, नंबर है 9431188585। इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। मेरे अपडेट जानने के लिए www.aghortantrahasya.com पर आप जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर लॉग इन करिए, उसमें रुद्रनाथ@cinfo मेरा प्रोफाइल है। आज के लिए इतना ही। महाभैरव रांची वाले भैरव बाबा आप सभी को अनंत खुशियां दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।